जिन्हें कर्म ने बांधना हो ते कषाय ने करें, जो दुख नहीं चाहते वे दूसरे को दुख देना बंद करें। ठीक इसी तरह जो अपने जीवन में कर्मों का बंधन नहीं चाहते, जो संसार से मुक्त होना चाहते, उनके लिए आचार्यों ने एक ही बात लिखी कि वे कषाय ना करें। कषाय की तासीर है कि वो हमें अपने आपे में नहीं रहने देती, चाहे वो कैसी भी कषाय हो, क्रोध के रूप में हमारे पास आई हो या अपना रूप बदल करके। ये कषायें इंटरचेंजेबल होती हैं और इंटरकनेक्टेड तो होती हैं, एक जगह से हिलाते हैं सब प्रभावित होता है, और इतने ही नहीं हम बहुत जल्दी इनको एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये हमें किसी भी रूप में आए, चाहे क्रोध के रूप में आए, चाहे अहंकार के रूप में आए, चाहे छल कपट करने के लिए रूप में आए, चाहे किसी चीज के प्रति हमें आसक्त करें, लोभ के रूप में आए, ये किसी भी रूप में आए, हम अपने आपे में नहीं रह पाते। सामान्य रूप से भी देखने में आता है कि जब किसी को गुस्सा आती है तो अपन कहते हैं भैया अभी बात मत करो, वो आपे में नहीं। और जब हम अपने आप से गाफिल हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं, ये सबसे पहला काम है। किसी को अगर डिफीट करना हो तो उसकी असावधानी के समय पर उसको आसानी से डिफीट किया जा सकता है, और ये कषायें यही काम करती हैं, हमें केयरलेस कर देती हैं। जरा सा किसी ने हमारे मन का काम नहीं किया या जरा सा हमारे मन की नहीं कही और ये भीतर बैठी रहती, धीरे से हमें धक्का देती हैं कि देखा। अपन भी कहते कि हाँ बात तो ठीक है, ये धीरे से हमारे भीतर धक्का देती हैं और फिर हम तैयारी कर लेते हैं पूरी। क्यों? हमारे हमारे उस सॉफ्ट कॉर्नर को ये जानती हैं हमारी कषायें कि ये कमजोर कोना है, और वहां हम जैसे ही इनसे प्रभावित होते हैं हम अपने आपे में नहीं रहते और हम असावधान होकर के। फिर दूसरी चीज और है, इनकी दूसरी तासीर है। पहले नंबर तो ये हमें असावधान करती हैं, जैसे बच्चे लोग जो है जब आपस में खेलते हैं तब पहले दूसरे को थोड़ा सा वो देखो और फिर गिरा देंगे उनको, ठीक ऐसा ही इनका काम है। और इतने ही नहीं, असावधान करने के बाद ये ऐसा एहसास कराती हैं कि तुम अगर हमें करोगे, क्रोध कहता है अगर तुम क्रोध करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी शांति मिलेगी, हम भी इन पे भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि जब किसी को वो खुजली हो जाती ना कोई, तो उसको अपन को ऐसा लगता है कि इसमें जरा सा इसको रफ कर दें, जरा जोर से रगड़ दें तो जरा शांति मिल जाएगी, और थोड़ा रगड़ते हैं तो शांति सी लगती तो है लेकिन फिर और मन करता है और फिर और बढ़ती चली जाती वेदना और जलन बढ़ती चली जाती। ठीक ऐसे ही इनकी तासीर है, जरा सा अगर किसी ने एक बात कही है तो भीतर की कषाय कहती है कि तुम कमजोर, सुन ली एक चुपचाप, दो कहो जब जाने कि हो तुम ताकतवर, वो हमें प्रेरणा देती।